So you can see कि जो यहाँ पे आपकी x की डिग्री है, y की डिग्री है, that is one, और आपको पता है यहाँ से कि ये आपका लीनियर जो है हो गया पॉलीनोमियल। अब लीनियर जब भी आपका, अब यहाँ हम क्योंकि इक्वल टू के साथ इसको लेके चल रहे हैं, तो दिस इज एन इक्वेशन, पॉलीनोमियल नहीं है ये आपका। तो लीनियर इक्वेशन की जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, दैट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। डिग्री वन के साथ जब आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे तो दैट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। गॉट इट? तो स्ट्रेट लाइन जो है, अगर आपको उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो दैट विल ऑलवेज बी अ लीनियर इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x-4। आप क्या करोगे, हमेशा उसको प्लॉट करने के लिए आप उसके सॉल्यूशन सेट्स निकाल लोगे। सॉल्यूशन सेट्स जो हैं उनको यूज करके आप ग्राफ प्लॉट करोगे, एंड यू विल सी कि आपका जो ग्राफ है दैट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जितने भी आपने ये पॉइंट्स लिए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर आपका कोई पॉइंट लाइन से बाहर आ रहा है, इट मींस सम कैलकुलेटिंग मिस्टेक इज देयर, तो यू हैव टू चेक योर कैलकुलेशन। और जब आप कैलकुलेशन चेक कर लोगे, तो यू विल अगेन फाइंड कि जितने भी आपने यहाँ सॉल्यूशन सेट्स लिए हैं, दे विल ऑल लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। सो आई होप लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट अब क्लियर है बच्चे आपको, स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 4.3 में वी आर गिवन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपको क्या करना है, दो वेरिएबल्स गिवन है एक्स और वाई, और आपको इनका जो ग्राफ है वो प्लॉट करना है। सो व्हेनेवर यू आर टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, यू आर टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट इन दिस वे, एंड देन यू विल टेक दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर एंड जॉइन दीज पॉइंट्स एंड यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन। So we are starting with exercise 4.3, question number 1, part 1. We are given the first equation as x plus y equal to 4. x plus y equal to 4. जब भी हम ये इक्वेशंस निकाल रहे हैं, हमने सबसे पहला काम क्या करना है, एक बार x को जीरो पुट करो, y की वैल्यू निकालो, एक बार y को जीरो पुट करो, x की वैल्यू निकालो, और थर्ड पॉइंट आप कोई भी अपनी मर्जी से ले सकते हो। वैसे तो दो पॉइंट्स से आपकी लाइन बन जाएगी, बट मिनिमम यू आर टू टेक द थ्री पॉइंट्स, ताकि कोई गलती हो तो वो आपको पता लग जाएगी। सो x एंड y बॉक्स जरूर शो करोगे, x जीरो पुट करना है, एक बार y जीरो पुट करना है, एक बार आप x को कुछ भी पुट कर लो, 1-1, 2-2, सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, सो 0 प्लस y इक्वल टू 4 इंप्लाइज y इक्वल टू 4, यानी कि मेरे पास पॉइंट आ गया, जब x 0 है y 4, उसके बाद पुट x y इज इक्वल टू 0 इन 1, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू 4, जब आपका y 0 है तो x विल बी 4। आफ्टर दैट पुट x इज इक्वल टू 1, आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यूज ले सकते हो, यू कैन चेंज द वैल्यूज ओवर हियर। 0 पुट करके कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि 0 आप पुट करना। उसके बाद 1 पुट किया मैंने, तो 1 प्लस y इक्वल टू 4, यानी कि y इज इक्वल टू। अब तीन पॉइंट्स आ गए मेरे। नाउ आई विल ड्रॉ द ग्राफ, आई होप यू विल बी हैविंग द ग्राफ पेपर्स विद यू, इफ यू आर नॉट हैविंग यू कैन मेक इट रफली एंड लेटर ऑन यू कैन मेक इट ऑन द ग्राफ इन द नोटबुक, व्हेन यू विल सेंड योर नोटबुक्स टू मी फॉर चेकिंग, द ग्राफ शुड बी पेस्टेड इन योर नोटबुक्स। चलिए अब इनको मार्क कर लीजिए पॉइंट्स को। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आपकी अगेन 4 तक जा रही है, तो मैंने 4 तक पॉइंट्स ले लिए। y आपका प्लस 4 तक जा रहा है, तो y पॉजिटिव साइड पे मैंने 4 तक ले लिया। When x is 0, y is 4. This is the point. Don't forget to write the coordinates. When x is 4, y is 0. So this is 4, 0. And when x is 1, y is 3. So you will join these points. So this will be your straight line.
And again, don't forget to write down the equation of the line over here. That is x plus y equal to 4. Then you have to write the scale also. X-axis, one big box. उसमें आपके छोटे वाले स्क्वायर्स भी होते हैं, तो मैंने इसीलिए बिग वर्ड यहाँ पे कर दिया है. वन बिग स्क्वायर और वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू वन यूनिट ऑन एक्स एक्सिस. एंड इन द सेम वे वी आर हैविंग वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू वन यूनिट इन द ऑन द वाई एक्सिस. तो आपने स्केल जरूर लिखना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के जरूर लिखने हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन जरूर लिखनी है. तीनों में से एक भी चीज अगर मिसिंग हो जाती है आपकी, तो योर हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड. वैसे तो अगर पेपर आपका एमसीक्यू फॉर्म में हुआ तो इस चैप्टर में यू विल बी गिवन द ग्राफ्स आपके जो है वो आपको दिए होंगे. आपको चेक करना होगा कि उनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर वन. वी वर टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन. After that, second and fourth part are your homework parts. I'm taking part 3. Y is equal to 3x. So I hope you would have done this. Okay. Now moving on to the third part. Third part mein we are having y is equal to 3x. अब यहाँ पे आप देखोगे कि जब आप x को जीरो पुट करते हो तो यू विल गेट y इज इक्वल टू जीरो. जब मैंने x को यहाँ पे जीरो पुट किया इन इक्वेशन वन, तो मेरे पास y इज इक्वल टू थ्री टाइम्स जीरो, यानी कि y भी थ्री जीरो आ गया. अब यहाँ ध्यान दो कि x और y दोनों आपकी जो वैल्यूज हैं ये जीरो आ रही हैं, तो जीरो जीरो वाला आपका एक ही पॉइंट होगा. तो अब आपको दोबारा y को जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y जीरो पे भी x आपका जीरो आ रहा है और x जीरो पे भी y आपका जीरो आ रहा है. तो अगर आप y को भी जीरो ले लोगे, अगेन इट विल गिव यू द सेम पॉइंट. ये दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है. फ्रॉम वन पॉइंट यू वोंट बी एबल टू ड्रॉ द ग्राफ. तो ये जीरो जीरो आपने दो बार नहीं लेना है. वेन एवर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई द अदर वैल्यू इज जीरो, तो वो आप एक बार ही लोगे, यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो हो गया. आप पुट वाई इक्वल टू जीरो मुझे नहीं करना है, ये याद रखिएगा. तो मैं अब क्या करूंगी, अगेन एक्स को वन पुट कर दूंगी और एक्स को टू पुट कर दूंगी. वेन आई विल पुट एक्स इज इक्वल टू वन, तो वाई इज इक्वल टू थ्री इंटू वन, दैट इज थ्री. And when I will put x is equal to 2, then also y is equal to thrice of 2, that is 6. So, अब आप ग्राफ पे जो वैल्यूज हैं हमारी, y की वैल्यूज जा रही हैं 6 तक और x की वैल्यूज हमारी जा रही हैं 2 तक. So when x is 0, y is 0, ये point आ गया आपका 0, 0. Don't forget to write down the point. Then when x is 1, y is 3. This is your x 1, y 3. अगर मैं इन दोनों points को join करके भी line draw कर दूं, you will see, जो आपका third point है 2, 6, that will also lie on this. ये पॉइंट आपका 2, 6 जो है दैट विल आल्सो लाई ऑन द लाइन. सो ये आपकी लाइन बन जाएगी. दिस शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. This point is 0, 0, this point is 1, 3, and this point is 2, 6. मैंने ये अलग कलर से लिख दी है ताकि स्केल के साथ वो आपका ओवरलैप ना हो. दिस पॉइंट इज 2, 6. स्केल सेम वे में
एक्स एक्सिस वन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू वन यूनिट, वाई एक्सिस वन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू वन यूनिट, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन यू आर टू राइट दैट इज वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है, अदरवाइज देयर इज अ रिस्क ऑफ लूजिंग द मार्क्स. So this was your question number one, part three. Y is equal to 3x. आपने पहले solution set निकालना है. Solution set की ये calculations आप show करोगे. You need not write directly this. अगर MCQ form में है, फिर आप direct निकाल सकते. Now moving on to question number two. I hope you would have done this. Okay, you can complete. After completing, you can just show me a thumb so that I come to know that you have done this. Okay, fine. Thank you. Now moving on to the second question. In the second question, we are having give the equations of two lines passing through 2, 14. अब देखो हम लोगों ने किया हुए यूक्लिड के एग्जाम्स में कि उसके ज्योमेट्री में ये था कि देर आर पोस्टुलेट्स में था ये कि फ्रॉम वन पॉइंट यू कैन सी दैट इनफाइनाइट लाइंस जो है दे कैन पास. एक पॉइंट अगर हम लेते हैं तो एक पॉइंट जो है उस पॉइंट से आपकी इनफाइनाइट लाइंस जो है पास कर सकते हैं. इन दिस वे दो लाइंस के बीच में देयर इज इनफ स्पेस कि वहां से आपकी अगेन कोई भी लाइन जो है वो पास कर सकती है. तो ये लाइंस के बीच में अगेन वी कैन ड्रॉ मेनी लाइन. अब वो कह रहे हैं कि हमें गिव टू इक्वेशंस ऑफ गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2, 14. 2, 14 से पास करने वाली हमें लाइंस की इक्वेशन देनी है. तो कोई भी दो इक्वेशंस जो इसको सेटिस्फाई करें, यानी कि जिसमें एक्स को 2 पुट करें वाई को 14 पुट करें, तो आपका जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो. जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना ली एक्स प्लस वाई is equal to 16. 2 plus 14 is 16. कुछ भी आप अपनी मर्जी से बना सकते हो. सेकेंड में बना लूं दोनों का डिफरेंस y माइनस x कितना है डिफरेंस 14 माइनस 2 यानी कि 12. थर्ड में बना लूं दो पूछी है उसने, थर्ड मैंने मान लो बना ली y is equal to y कितना है x का 7 times है. So this can be written as y is equal to 7 times. ठीक है, इसी तरीके से आप ले सकते हो इसको कि आपने मान लो ले लिया 2x, अब 2 2 4 हो गया. ठीक है, इसमें मैं अगर 10 ऐड कर दूं तो दैट इज इक्वल टू y 14. 2 2 4 प्लस 10 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू 14 आ रही है. तो ये भी आपकी इक्वेशन हो गई. तो इन दिस वे यू कैन राइट डाउन जो है इनफाइनाइट इक्वेशंस which will satisfy these points, yeah, this point will satisfy infinite linear equation, yani ki infinite lines can pass through 2, 14. So isko aap likhoge kaise? Here x is equal to 2 and y is equal to 14. So the equation of lines satisfying या पासिंग थ्रू दिस पॉइंट आर, कोई दो इक्वेशंस आप लिख लो इनमें से. उसके बाद उसने पूछा हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई.
So there are infinitely many lines. Passing through 2, 14. उसने इसमें रीजन भी पूछा है, रीजन भी आपको देना है, बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मेनी लाइंस टू वन पॉइंट. एज इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट. So this was your question number 2. पहले आपने इक्वेशन लिख देनी है. यहाँ पे आप इक्वेशन कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकते हो. कंडीशन क्या है कि दैट शुड सेटिस्फाई 2, 14. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में ही सेइंग इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 then find the value of a. अब क्योंकि point 3, 4 आपको given है कि equation पे lie कर रहा है, तो it means it will satisfy that equation. तो point में x की value को 3 put कर दो, y की value को 4 put कर दो, and you will get the value of a. So you will write down, since 3, 4 lies on इक्वेशन आपको गिवन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7. देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. इट मींस 3 × 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7. 3y is equal to ax plus 7 में आपने y को 4 पुट कर दिया और x को आपने 3 पुट कर दिया. अब 12 is equal to 3a plus 7. 12 minus 7 is equal to 3a. 5 is equal to 3a. यानी कि a is equal to 5/3. तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/3. Now question number 4 is very important question. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4. ये ध्यान से समझना, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज. एक सिटी है, उसके टैक्सीज के फेयर्स आपको गिवन है. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8. पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो फिक्स है ₹8. आफ्टर दैट फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर. आगे के जो डिस्टेंसेज है 1 किलोमीटर के बाद के, उसके लिए जो ये फेयर है दैट इज ₹5 पर किलोमीटर. टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर एंड द टोटल फेयर एज वाई, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. आपको फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो अमाउंट गिवन है दैट इज गिवन टू बी ₹8, और बाकी के लिए जो सब्सिक्वेंट किलोमीटर है उसके लिए जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज गिवन टू बी ₹5. पहले ये कंसेप्ट समझो, ये है क्या. मान लो मैंने जो है 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया टैक्सी से, तो 5 किलोमीटर में से जो पहला किलोमीटर है, जो फर्स्ट किलोमीटर है, फॉर दैट आई हैव टू पे ₹8. टोटल डिस्टेंस मैंने जो है ट्रेवल किया दैट इज 5 किलोमीटर. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर जो मुझे अमाउंट पे करना पड़ेगा दैट विल बी 8 किलोमीटर. और आगे के जो किलोमीटर्स रह गए, फर्स्ट किलोमीटर के अलावा टोटल मैंने 5 किलोमीटर जाना है,
रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया मेरा या सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना रह गया, दैट इज 5 माइनस ये 1, जिसके लिए मैं 8 रुपीज ऑलरेडी पे कर रही हूँ। यानी कि बाकी के जो 4 किलोमीटर हैं उसके लिए मुझे 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। यानी कि जो मैं फेयर पे करूंगी दैट विल बी ₹8 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹5 फॉर द रिमेनिंग किलोमीटर, ये 5 माइनस 1। Let us take one more example. Let us suppose I am moving a distance of 11 kilometers. First kilometer ke liye the fare will be ₹8. Baki kitne kilometers reh gaye? 11 minus 1. Kyunki 1 kilometer ke liye main pay kar chuki hu. Baki 10 kilometers ke liye mujhe aur pay karna hai. To 11 minus 1 ke liye I will pay 5 rupees per kilometer. Same way mein if I have to move 20 kilometer distance, then fare will be ₹8 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। बाकी कितना रह गया? 20 माइनस 1 इंटू 5, यानी कि 8 प्लस 19 इंटू 5। अब डिस्टेंस उन्होंने कितना दिया हुआ है हमें? x किलोमीटर, जो डिस्टेंस उन्होंने कहा निकालने के लिए, जिसके लिए फेयर मुझे निकालना है, दैट डिस्टेंस इज x किलोमीटर। फेयर किस में गिवन है? y रुपीज में गिवन है। तो फेयर y इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर के लिए दिस इज 8 रुपीज फिक्स, प्लस डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है वो x, x में से 1 किलोमीटर इधर आ गया, बाकी कितना रह गया? x माइनस 1 के लिए वो कितना पे कर रहा है? ₹5 पर किलोमीटर। सो आई होप कि ये आपको क्लियर है किस तरीके से हमारी इक्वेशन बनेगी। दोबारा देख लो इसको। पहले मैंने एग्जांपल लिया 5 किलोमीटर का। स्टेटमेंट में वो मुझे कह रहा है कि अगर मैं फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल कर रही हूँ, यानी कि पहले 1 किलोमीटर के लिए आई हैव टू पे ₹8, एंड आफ्टर दैट जितने मर्जी मैं किलोमीटर्स ट्रेवल करूँ उसके लिए मुझे 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से पे करने हैं। टोटल डिस्टेंस मान लो मैं 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रही हूँ, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आई हैव टू पे 8 किलोमीटर। बाकी का डिस्टेंस कितना रह गया मेरा? 5 टोटल था, 5 में से 1 के लिए मैंने 8 रुपीज पे कर दिए, बाकी 4 किलोमीटर के लिए मुझे पे करना है at the rate of ₹5 per kilometer, yani ki 8 rupees I have paid, and how much more I have to pay? 5 into 5 minus 1, ye minus 1 kaun sa kar rahe hai? Ye 8 rupees ka jo hum kar chuke hain. To 11 kilometer agar liya, 1 kilometer ke liye 8 rupees, 11 mein se 1 maine travel kar liya, baki 11 minus 1 yani ki 10 reh gaye. 1 kilometer ke 5 rupees hain, to 10 kilometer ke 10 into 5 ho jayenge. Same way mein 20 kilometer hai, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपी पे कर रहे हैं, बाकी कितना रह गया? 20 माइनस 1, उसके लिए मुझे 5 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना है 5 रुपीज, तो 20 माइनस 1 इंटू 5। अब फेयर जब मैंने लिया, मुझे क्वेश्चन में फेयर गिवन है y रुपीज, तो y इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर के लिए आई हैव टू पे 8 रुपीज, रिमेनिंग किलोमीटर कितने रह गए? x टोटल थे, x में से 1 किलोमीटर के लिए आई हैव पेड दीज 8 रुपीज, तो रिमेनिंग डिस्टेंस x माइनस 1 के लिए आई हैव टू पे द अमाउंट फॉर 5 रुपीज पर किलोमीटर। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट इट डाउन। सो वी विल राइट डाउन, लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये वैसे हमें गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर एंड द फेयर इज y। सो लेट द डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर एंड द फेयर पेड या अमाउंट पेड इज रुपीज y। x किलोमीटर डिस्टेंस है, y रुपीस जो है वो पे कर रहा है। अब फर्स्ट फेयर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो वो डिस्टेंस पे कर रहा है, दैट इज ₹8। तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर सो फेयर फॉर रिमेनिंग टोटल x था, x में से 1 वो पे कर चुका है, फेयर फॉर रिमेनिंग x माइनस 1 किलोमीटर इज 5 इंटू x माइनस 1 रुपी 5 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर की कॉस्ट 5 रुपीज है, तो x माइनस 1 किलोमीटर की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 5 इंटू x माइनस 1। अब टोटल फेयर इज इक्वल टू हम निकाल लेंगे,
So fair paid is equal to 8 plus 5 into x minus 1. Fair paid is y equal to 8 plus 5x minus 5. So y is equal to 5x plus 3. So this is the linear equation that has been formed. यहाँ बस ये ध्यान रखना है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए एक, यहाँ जो भी टोटल डिस्टेंस गिवन होगा उसमें से माइनस वन जरूर कर, देन जो उसका फेयर गिवन होगा वन किलोमीटर का उससे मल्टीप्लाई कर लोगे। अब ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया, नाउ वी आर टू ड्रॉ द ग्राफ, इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई है, नाउ वी आर टू ड्रॉ द ग्राफ। सो एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे आप, उससे पहले आपको सॉल्यूशन सेट निकालना पड़ेगा, तो लेट अस कैलकुलेट द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इक्वेशन y इक्वल टू 5x प्लस 3। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, हालांकि वो वैलिड नहीं है क्योंकि जब आपने डिस्टेंस जीरो ट्रेवल किया तो आप थ्री रुपीज भी उसको क्यों दोगे, बट स्टिल बिकॉज वी आर टू प्लॉट द ग्राफ सो वी आर टेकिंग दिस एक्स इज इक्वल टू 0, तो वाई आपका आ गया 3। अब जब आप एक्स को 1 लेके चलोगे तो 1 किलोमीटर के लिए यू आर पेइंग हिम 8 रुपीज, व्हेन यू विल टेक एक्स एज 2 तो वाई इज इक्वल टू 13। सॉल्यूशन सेट यू विल शो, आई हैव रिटन डायरेक्टली, x को 0 पुट करोगे तो y आपका 3 आएगा, x को 1 पुट करोगे तो y आपका 8 आएगा, x को 2 पुट करोगे तो y विल बी 13। अब देखो जो आपकी y की वैल्यूज हैं दैट आर 3 8 13 और x की वैल्यूज आर 0 1 2, अगेन आप चाहो तो 2 2 के गैप पे ले लो या 1 1 के गैप पे ले लो y, दैट इज योर विश। मैंने 1 1 गैप पे लिया है, आप 1 1/2 बॉक्स को भी लेके चल सकते हो। अब x 0 पे y 3, देन x 1 पे y इज 8 एंड x 2 y 13, तो इनको आप ज्वाइन कर दोगे, सो दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन एंड इक्वेशन आप यहाँ पे लिख दोगे y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। दिस इज 0, 3, स्केल लिख लोगे, so this way you are to plot the graph. So this was your question number 4. If any doubt is there in this, you can ask. After this, question number 5. From the choices given below, choose the equation whose graphs are given in the figure 4.6 and figure 4.7. First part hame given hai, y is equal to x. Second is x plus y equal to 0. Third is y is equal to 2x. Fourth is 2 plus 3y is equal to 7x. आपने क्या करना है, आपको ये दो ग्राफ जो है वो गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन अगर आप लेके चलोगे तो यहाँ पे यू कैन सी y इक्वल टू x है। जब आप ग्राफ को चेक करोगे तो y इक्वल टू x मीन्स अगर x 1 है तो y 1, x माइनस 1 है तो y माइनस 1, तो आप लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट्स चेक कर लो, आपको स्केल दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, तो अगर आप चेक करते हो तो x इक्वल टू y आपका नहीं आ रहा है फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए, तो इट मीन्स ये ऑप्शन नहीं हो सकती। अब सेकंड वाले को चेक करो, x प्लस y इक्वल टू 0, यानी कि सम टोटल ऑफ x एंड y बोथ शुड बी इक्वल टू 0। अगर आप इसको चेक करो, आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट गिवन है -1, 1,
माइनस वन कॉमा वन को जब आप ऐड करोगे दिस इज इक्वल टू जीरो, तो इट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ 4.6। सेकेंड वाला आ जाएगा इसमें आपका। सेम वे में यू विल चेक द दिस फॉर फिगर 4.7 में के लिए भी आप चेक करोगे। इफ यू सी दिस, तो फिगर 4.7 के लिए यू आर हैविंग y और x दोनों का सम 2 बन रहा है। अगर आप उसके कोऑर्डिनेट्स को चेक करो, एक जगह 0.2 गिवन है, एक जगह 2.0 गिवन है, एक जगह -1.3 गिवन है, तो तीनों का जो सम टोटल बन रहा है वो 2 बन रहा है। तो इफ यू चेक दिस, तो y इक्वल टू x y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2 आपकी ऑप्शन बन रही है। थर्ड वाली ऑप्शन जो है, अगर उसमें से माइनस x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाती हो तो दैट इज x प्लस y इक्वल टू 2, x और y कोऑर्डिनेट्स का सम 2, तो इट मींस दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 वी विल डू टुमारो। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट। आई एम गिविंग यू द ऑप्शन, अदरवाइज आई एम एंडिंग द मीटिंग।